Today we will discuss about how to find the position of an element in periodic table. तो अभी हम एक element लेके चलते हैं sodium. Sodium का atomic number होता है 11. ठीक है? तो इसका configuration क्या होगा KLM वाली में? 2, 8 और 1. तो कितने shell हो गए? 2, 8 और 1 कितने shell हो गए? 3 shell हो गए. तो number of shell जो होता है, number of shell is equal to, वो determine करता है. क्योंकि periodic table है, periodic table में हमें क्या पता चल जाता है? Period. तो इसका कितना सेल है 3 तो इसका पीरियड कितना होगा 3 दिस इज सिंपल इसी तरह क्लोरीन में क्या होगा 17 होता है एटॉमिक नंबर तो क्या हो जाएगा 2 8 7 कितने पीरियड है 3 तो पीरियड भी क्या हो जाएगा 3 ये सिंपल कांसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा ग्रुप का थोड़ा सा टेक्निकल होता है ग्रुप को थोड़ा ध्यान रखना होता है ग्रुप डिपेंड करता है आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है अगर 1 और 2 है तो उसका ग्रुप भी 1 और 2 हो जाएगा ये सिंपल है लेकिन अगर 2 से ज्यादा है मोर देन 2 तो क्या होगा आपको 10 ऐड करना है जैसे इसमें इसका तो आपका सिंपल है 1 ही है तो 1 आपका ग्रुप हो जाएगा लेकिन 7 है अगर तो 7 में क्या करना पड़ेगा आपको 10 ऐड करना पड़ेगा क्या बन जाएगा 17 ग्रुप हो जाएगा तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा थैंक यू